नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक प्लास्टिक सर्जन और डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट हूं। डायबिटिक फुट अवेयरनेस वीडियो सीरीज के इस भाग में हम बात करेंगे कि डायबिटीज के मरीज अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। इन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि यदि आप डायबिटिक हैं और आपके पैर सुरक्षित हैं तो आप अपनी वॉक या रेगुलर एक्टिविटीज कर पाएंगे, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और आप हार्ट, किडनी, आँखें या कोई भी बीमारी जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण होने वाली है उससे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपके पैर ही सुरक्षित ना होंगे तो ना तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी और ना ही आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। तो ये एक विशेष साइकिल है, यानी एक दुष्चक्र है जिसका सेंटर पॉइंट पैर है। लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे ज़्यादा अनभिज्ञता डायबिटीज़ के मरीजों में अपने पैरों के प्रति ही है। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। अपने पैरों को रोज़ाना गुनगुने पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोकर साफ रखें। विशेषकर उंगलियों के बीच वाली जगह को अच्छी तरह से सुखाएं और ड्राई रखें। दिन में कम से कम 2 बार अपने पैरों को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि सूखी त्वचा में क्रैक होंगे और संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। मॉइस्चराइज करने के लिए आप नारियल का तेल, वैसलीन या कोई भी बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उंगलियों के बीच में मॉइस्चराइज ना करें, उन्हें सूखा रखें। पैर के नाखूनों को समय समय पर काटते रहें। नेल कटर का उपयोग करें, ब्लेड का उपयोग कतई ना करें, अन्यथा पैर में घाव होने का खतरा रहेगा और संक्रमण की संभावना हो सकती है। यदि आपके नाखून बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं तो उनके ट्रिमिंग के लिए आप डायबिटिक फुट एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। रोज अपने पैरों का निरीक्षण अच्छी तरह से करें और देखें कि कोई लालिमा या घाव तो नहीं है। पैर के तलवे देखने के लिए आप हाथ दर्पण या हैंड मिरर का यूज़ कर सकते हैं। ऊनी या सूती मोजे का उपयोग करें, टाइट टॉप या इलास्टिक वाले मोजे ना पहनें। सफेद या हल्के रंग के मोजे पहन सकते हैं, जिससे नया होने वाला घाव या उसके रिसाव की छाप आ जाएगी और समय रहते आपको नए घाव के बारे में पता लग जाएगा। क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपको पेन तो होगा नहीं, तो आपको घाव का भी पता नहीं लगेगा। मुलायम, नर्म गद्दी वाले और ढीले जूते पहने। तंग शूज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा शू बाइट हो सकता है। पहनने के पहले अच्छी तरह से जांच कर लें कि शूज के अंदर कोई चोट लगने वाली वस्तु तो नहीं है। घर के अंदर या बाहर कभी भी नंगे पैर ना चलें। कभी भी कॉर्न्स का खुद इलाज ना करें। अपने पैरों के कॉर्न्स को कभी भी ब्लेड से निकालने की कोशिश ना करें और ना ही कोई मेडिकेटेड कैप या कॉर्न कैप का इस्तेमाल करें। कॉर्न के उचित उपचार के लिए डायबिटिक फुट सर्जन से मिलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रत्येक 6 माह या 1 साल में डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग जरूर कराएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग के बारे में और बताएंगे कि वो क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं। इन सब के बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।